नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 की RBSC की जो राजस्थान अध्ययन की किताब है, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, इसको पढ़ रहे थे और दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे। दूसरे अध्याय में हम कहाँ तक पढ़ चुके थे वो आपको बताते हैं। ये किताब है, अर्जुन लाल सेट्टी तक हम पढ़ चुके थे कल, और अर्जुन लाल सेट्टी के जो किताबें थी शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें इन्होंने लिखी थी, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। इससे आगे की जानकारी आज पढ़ेंगे, तो इससे आगे चलते हैं। आज पढ़ेंगे अपन केसरी सिंह बारहट के बारे में। 1872 से लगाकर 1941 ईस्वी शाहपुरा, राजस्थान के प्रसिद्ध कवि एवं क्रांतिकारी, यानी कवि भी थे और क्रांतिकारी भी थे। केसरी सिंह बारहट की जन्मभूमि शाहपुरा एवं कर्मभूमि कोटा थी। जन्मभूमि जो है शाहपुरा भीलवाड़ा के पास, और कर्मभूमि इनकी कोटा थी। इनका जन्म 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा गांव में हुआ था। ये प्रश्न बहुत सी बार पूछा गया है कि केसरी सिंह बारहट का जन्म किस जगह हुआ था, तो वो हुआ था देवपुरा नामक गांव में, शाहपुरा रियासत में। सन 1903 में वायसराय जो लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार, यानी दिल्ली दरबार का जो आयोजन किया गया था में शामिल होने से रोकने के लिए, उन्होंने उदयपुर के महाराणा, यानी उस समय शाहपुरा जो भीलवाड़ा उदयपुर के अंदर आता था, तो उदयपुर के महाराणा उस समय फतेह सिंह थे, फतेह सिंह को संबोधित करते हुए चेतावनिया चुंगटिया नामक 13 सोटे लिखे थे। यानी चेतावनिया चुंगटिया किसने लिखा है, प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसके अंदर कितने सोटे थे, 13 सोटे थे, ये भी पूछा गया बहुत सी बार एग्जाम में, जो उनकी अंग्रेजों के विरुद्ध भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपूताना में विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह बारहट अर्जुन लाल सेट्टी का खास जिम्मेदार माना गया है। यानी केसरी सिंह बारहट और अर्जुन लाल सेट्टी ने क्रांति को बहुत ही आगे बढ़ाने का बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया, और इन्होंने क्रांतिकारियों को सपोर्ट किया, यानी उनकी सहायता की, बहुत सारी कविताएं की रचना की, उनके लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले, ऐसे उस प्रकार से क्रांतिकारियों की इन्होंने सहायता की। इन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। यानी वीर भारत सभा की स्थापना किसने और कब की, तो ये केसरी सिंह बारहट ने की। कब की, 1910 में। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया तथा स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया। इनके परिवार के जितने भी सदस्य थे वो क्रांति से जुड़े हुए थे। श्री बारहट ने अपने सहोदर, इनके जो छोटे भाई थे जोरावर सिंह और इनके पुत्र थे प्रताप सिंह एवं जमाता ईश्वरदान आसिया को रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीरचंद की सेवा में क्रांति का व्यवहारिक अनुभव प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा। यानी रास बिहारी बोस से इन्होंने सबने प्रशिक्षण लिया था। इनके छोटे भाई जो थे जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, केसरी सिंह बारहट, इनका चित्र देख सकते हो आप। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ ओम कर देने वाले, यानी अपना घर बार सब कुछ न्यौछावर, अपने परिवार को न्यौछावर करने वाले क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह ने अगस्त 1941 में अंतिम सांस ली। उसके बाद बात करेंगे इनके पुत्र के बारे में। इनके पुत्र जो हुए हैं उनके बारे में, कुंवर प्रताप सिंह बारहट 1893 से 1918 शाहपुरा। 1893 ईस्वी में शाहपुरा में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली थी, क्योंकि इनके पिताजी ने देशभक्ति की बहुत सारी कविताएं लिखी थी, देशभक्ति के कारण भाग लिया था क्रांति में, तो उनको देखकर इनमें भी देशभक्ति भावना भरी। इनके पिता केसरी सिंह बारहट एवं चाचा जो थे जोरावर सिंह बारहट प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, और क्रांतिकारी मास्टर अमीचंद से प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्र करवाने में जुट गए। वे रास बिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुए। यानी इन्होंने क्रांतिकारी जो रास बिहारी बोस थे उनसे प्रशिक्षण लिया था। रास बिहारी बोस का प्रताप सिंह पर बहुत विश्वास था, यानी उनसे प्रशिक्षण लेने के कारण प्रताप सिंह का काफ़ी विश्वास था। प्रताप सिंह बारहट को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया था। प्रश्न बनता है, बनारस कांड के संदर्भ में किसको गिरफ्तार किया गया, प्रताप सिंह बारहट। और सन 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर उन्हें 5 वर्ष के लिए सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। सश्रम का मतलब होता है जेल के अंदर भी इनसे काम करवाया जाता था। बरेली के केंद्रीय कारागार में उन्हें अमानवीय यातना दी गई। यानी प्रताप सिंह बारहट को कहाँ रखा गया, बरेली जो जेल है यानी केंद्रीय कारागार यानी सेंट्रल जेल है, वहाँ पे उनको रखा गया, और अमानवीय यानी बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किए गए, ताकि अपने सहयोगियों का नाम उनसे पता किया जा सके, किंतु उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया। ये नीचे चित्र में आप देखिए, ये प्रताप सिंह बारहट है,
बहुत ही कम उम्र के क्रांतिकारी हुए हैं। उसके बाद भारत सरकार में गुप्तचर निर्देशक सर चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप को घोर यातनाएं दी, यानी अंग्रेज सरकार के जो निर्देशक थे चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप को घोर यातनाएं दी, मगर यह सभी भी प्रताप को तो नहीं तोड़ पाए और बरेली जेल में ही क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है। तब प्रताप ने जवाब दिया, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता, ये किसने कहा था तो आप याद रखना, मेरी माँ को रोने दो जिससे अन्य कोई न रोए। अमानुषिक यातनाओं के कारण 1918 में मात्र 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह शहीद हो गए और हार कर क्लीवलैंड को यह कहना पड़ा, मैंने आज तक प्रताप जैसा युवक नहीं देखा, मैंने आज तक प्रताप जैसा युवक नहीं देखा है। किसने किसके बारे में कहा था ये भी याद रखना है आपको, क्लीवलैंड ने जो केसर सिंह बारहट के पुत्र हुए हैं प्रताप उनके बारे में। आगे अब बात करते हैं बालमुकुंद बिस्सा की। 1906 से 1942 ईस्वी इन्होंने नागौर में चरका संघ खद्दर भंडार की स्थापना कर इनका प्रचार प्रसार किया। राजस्थान के जतिनदास, यानी राजस्थान के जतिनदास किसको कहा जाता है, बालमुकुंद बिस्सा को। इनका जन्म 1908 में डिडवाना तहसील के पीलवा गांव में साधारण परिवार में होता है, यानी नागौर जिले में। 1942 में जय नारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान बिस्सा को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध बिस्सा ने लंबी भूख हड़ताल की। जेल में बंदियों के दमन और हड़ताल में बिस्सा बहुत कमजोर हो गए और उन पर लू का प्रकोप हो गया, यानी लू लग गई इनको गर्मी के कारण। 19 जून को उन्हें वार्ड से जेल अस्पताल भिजवाया गया, जहाँ अधिकारियों की लापरवाही के कारण उसी दिन उनका निधन हो गया और बिस्सा के निधन का समाचार समूची नगर में बिजली की तरह फैल गया और देखते ही देखते अस्पताल के सामने लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उस जमाने में लगभग 1,00,000 लोगों ने मीलों पैदल चलकर उनकी अंत्येष्टि में भाग लिया था। इसके बाद हम बात करते हैं सागरमल गोपा की, यानी जैसलमेर में जन्मे सागरमल गोपा। ये सागरमल गोपा जीवन पर अपनी जन्मभूमि के दुखों को दूर करते रहे। उन्होंने अत्याचार निरंकुश राजशाही का कड़ा विरोध कर जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ शिक्षा प्रसार व विशेष जोर दिया। गोपा ने आज़ादी के दीवाने किताब किसने लिखी और रघुनाथ सिंह का मुकदमा एवं जैसलमेर के गुंडाराज, ये तीन किताबें इन्होंने लिखी थी, ये याद रखना आप। ये पुस्तकें इन्होंने छपवा कर वितरित की, जिनमें जैसलमेर राजशाही के काले कारनामों की लंबी सूची एवं उनकी कटु आलोचना की। इनके लिए इनको राज्य के कोपभाजन बनना पड़ा, यानी इनको जेल के अंदर ही जिंदा जला दिया गया। ये सागरमल गोपा इन्होंने राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 में जेल में डालकर इन पर अमानवीय अत्याचार किए गए और जेल में अप्रैल 1946 इन पर तेल छिड़क कर आग लगाकर अत्याचार सत्ता ने जीवित ही जला दिया। जैसलमेर के सागरमल गोपा को तेल छिड़क के जिंदा जला दिया गया। उसके बाद बात करते हैं नाना भाई खान रास्तापाल डूंगरपुर, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। किसी लगी क्लास आपको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।